नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कुछ मल्टीवैगर स्टॉक है, फाइव स्टॉक है। ये फाइव स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में हम अगर लेके चलेंगे आगे आने वाले दिनों में आप जरूर करोड़पति बन सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये स्टॉक ने उसी हिसाब से कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, कंपाउंडिंग मशीन अगर बोलेंगे ये स्टॉक को, कोई भी गलती नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंडिंग स्टॉक है, बहुत बढ़िया मल्टीवैगर स्टॉक है। पांच स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला जो स्टॉक है यहाँ पे डीमार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स काफी दिन पहले मैंने आपको सबको मना किया था कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि ओवर वैल्यू है। अभी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी ये स्टॉक में एक काफी करेक्शन हो चुका है, जो कि लीडर कंपनी है। ठीक है ना, इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे 31% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है और एक ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये ब्लू चिप स्टॉक, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप स्टॉक है, इतना बड़ा करेक्शन हो गया, ब्लू चिप स्टॉक है। इसमें 31% का करेक्शन पे अभी मिल रहा है और 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अभी भी अगर आप पी देखेंगे ना, 176 पे पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको ये वैल्यूएशन आपको 50 PE तक आएगा, ऐसा कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, स्टॉक जब से लिस्टिंग हुआ है तब से ये हायर वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग होता है क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है इसमें। अगर आप डेट की बात करेंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई अगर बात करेंगे यहाँ पे 5,900 है। अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 4,000 पे, मतलब 1,900 रुपीज करेक्शन पे आपको स्टॉक मिल रहा है। और प्रमोटर का होल्डिंग देखिए, 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। स्टॉक पहला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 3 साल में 40% CAGR का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा मल्टीवैगर है, जो भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में इनको लेना चाहता है तो जरूर ये स्टॉक को लेके चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्विंग ट्रेडर है मेरे जैसे भाई, जो भी स्विंग ट्रेडर है बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता है, ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलिए। अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो इसको गलती से भी सेल करने का गलती मत करना है, क्योंकि ऐसा स्टॉक को कभी सेल किया नहीं जाता है। ठीक है ना, लॉस में कभी भी ये स्टॉक को सेल मत कीजिए, ये जरूर इसका टारगेट प्राइस बहुत जल्दी अचीव करेगा क्योंकि ये सब क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी अगर आज के दिन में अगर इसमें देखेंगे कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, देखिए आज के दिन में 4,56,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, इसमें 58% का डिलीवरी उठाया गया, जो कि 2,68,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। एक जबरदस्त डिलीवरी है, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टॉक देखिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, Naukri.com है फ्रेंड्स। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हो चुका है, एक जबरदस्त स्टॉक है ये। स्टॉक का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे Naukri.com का यहाँ पे देखिए 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। ठीक है ना, ये डेट फ्री कंपनी है और स्टॉक कितना परसेंट करेक्शन पे मिल रहा है देखिए, यहाँ पे लगभग 3,000 रुपीज करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 10 साल में 31% का CAGR रिटर्न दिया है और 5 साल में 42% का रिटर्न दिया। बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक है, एक साल पहला पुराना प्राइस पे आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो एक साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता है स्टॉक में, अभी भी वो लॉस में 6% है। आप सोचिए, मतलब अभी आपको कितना बड़ा करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। मैंने बहुत बार ये स्टॉक के बारे में वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स, अभी ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बाइंग भी आ चुका है, देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ में बायर भी आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिए, इनको लॉस में सेल करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे कि इसका टारगेट प्राइस क्या है अगर स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये सारे स्टॉक का ऑल टाइम हाई पे आपको सेल करना है, अगर आपको बाय करना है इसको ऑल टाइम हाई तक जब जाएगा उसी टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। ठीक है, सारे स्टॉक मतलब 6 महीने के अंदर में आपको ऑल टाइम हाई अचीव करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मल्टीवैगर है। अगर ये स्टॉक के बारे में बात करेंगे कितना परसेंटेज का डिलीवरी आज के दिन में उठाया गया है फ्रेंड्स, आज के दिन में ये स्टॉक में 25% का डिलीवरी उठाया गया, जो कि 3,53,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है। बहुत कम डिलीवरी आज के दिन में देखने को मिला है, जो कि 89,000 का डिलीवरी उठाया गया है स्टॉक में। एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग मशीन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये स्टॉक में भी अपना होल्डिंग में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज है फ्रेंड्स। अगर आरती इंडस्ट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हम,
इसका रिजल्ट भी आया था, मैंने कल भी आपको बताया था। देखिए ये एक बहुत बड़ा केमिकल स्टॉक का एक मार्केट लीडर है और जबरदस्त यहाँ पे कंपाउंडिंग मशीन है। ये एक बहुत बढ़िया सा आपके पैसे को कंपाउंडिंग करके देगा, ठीक है। अगर इसका आप देखेंगे ना 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए 53% का सीजीए रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये 500 स्टॉक में आप इक्वली इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अपना पोर्टफोलियो का 5-5% अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मल्टीवैगर स्टॉक है। 10 साल का रिटर्न देखिए, 53% का यहाँ पे सीजीआर रिटर्न दे रहा है 10 साल में, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे पी देखिए 28 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, और इसका प्रमोटर होल्डिंग देखिए 44% का प्रमोटर होल्डिंग है। स्टॉक अभी ऑलरेडी 200 रुपीज करेक्शन पे स्टॉक चल रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है 1168, इसका ऑल टाइम हाई है। स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 979 पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है, तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक का भी करेक्शन पे भी देखिए कितना परसेंट करेक्शन पे मिल रहा है, 16% करेक्शन पे मिल रहा है, मल्टीवैगर शेयर है, ठीक है। तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। अगर आज के दिन का अगर हम कारोबार देखेंगे स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, देखिए अगर आज के दिन में हम देखेंगे तो 26% का डिलीवरी उठाया गया है। इतना ज्यादा अट्रैक्टिव डिलीवरी तो इसमें आज देखने को नहीं मिला है, लेकिन किसी के पोर्टफोलियो में है अगर वो लॉस में है, ये स्टॉक को सेल करने का कभी भी गलती मत करना, ठीक है। इसमें ऑल टाइम हाई विद इन 6 मंथ्स में अचीव करेगा, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑल टाइम हाई तक अगर अपना पोजिशन बना के चलते हैं, आपको कितना परसेंटेज का गेन मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको 18-19% का गेन मिल सकता है। इसका जो टारगेट रहेगा 1163 तक आप लेके चल सकते हैं, आपको 18% का गेन मिल सकता है 6 मंथ्स में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टॉक जो है वो बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। आप सबको पता है मार्केट में जब ये स्टॉक में लगातार मतलब यहाँ पे ये चल रहा था, मोमेंटम में स्टॉक चल रहा था, उस टाइम पे मैंने सबको मना किया था कि ये स्टॉक में आप पोजीशन मत बनाओ अभी। लेकिन अभी वो वक्त आ चुका है, क्योंकि काफी दिन से स्टॉक में कंसोलिडेशन हो चुका है और स्टॉक अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास में भी आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक में अभी अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो भी कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में अभी भी आपको 13-14% का करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है। ये सब स्टॉक जब मार्केट में भयंकर गिरावट होता है तभी आपको वैल्यूएशन मतलब करेक्शन पे मिलता है, नहीं तो ये सब स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई पे चलता है, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग मशीन है अगर बोलेंगे तो भी गलती नहीं होगा। अगर आप किसी के पास में ये स्टॉक है तो इसको होल्ड कीजिए, लॉस में सेल करने की कभी भी गलती मत करना। अगर इसका हम देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड कितना परसेंटेज का ये रिटर्न दिया है पिछला कुछ सालों में, अब देखिए यहाँ पे पिछला 10 साल में 57% का सीजीआर रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। अगर आप 5 साल की भी बात करेंगे तो ये 47% का सीजीआर रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में भी 38% का सीजीआर रिटर्न दिया है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, इतना बड़ा करेक्शन इस सब स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। अभी देखिए इसका P71 पे अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये सब क्वालिटी स्टॉक है, स्टॉक में ऐसे ही पी रहेगा, ठीक है। स्टॉक अभी 8000 इसका ऑल टाइम हाई है, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 1000 रुपीज करेक्शन पे स्टॉक चल रहा है, ठीक है। ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये स्टॉक में लॉस में अभी भी बैठे हुए हैं तो भी होल्ड कीजिए, अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो भी करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स। ये एक जबरदस्त स्टॉक है, ठीक है। तो ये स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है तो अभी भी आप लेके चल सकते हैं। काफी दिन से ये स्टॉक में है, एक करेक्शन पे एक बढ़िया से कंसोलिडेशन पे चल रहा है, ठीक है। ये सब टाइम होता है ना ये सब स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलने के लिए, ये सब स्टॉक को ले लीजिए अपना पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दीजिए, ठीक है। 10-20 साल में आपको बहुत बड़ा वेल्थ बना के देगा ये सब स्टॉक, कोई भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो इतना सोच के चलिए कि म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी स्टॉक है, इसको कभी भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर इसका हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट क्या है, अभी भी स्टॉक का जो पी है अभी 149 पे पी पे स्टॉक चल रहा है। आरओसी देखिए 32, ठीक है ना। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 34% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। स्टॉक अभी कितना परसेंटेज है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6200 अभी इसका ऑल टाइम हाई है। स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 4300 पे, मतलब 1900 रुपी करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है। तो ये स्टॉक को कभी भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 3 साल में भी इसने 115% का सीजीआर रिटर्न दिया है। एक बहुत बड़ा मतलब कंपाउंडिंग मशीन है ये। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक में
कितना परसेंटेज का करेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अभी भी 30% करेक्शन पे आपको मिल रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है फ्रेंड्स। जब स्टॉक फिर मोमेंटम में भागेगा उस टाइम पे आप फिर पकड़ने की उसको कोशिश मत करना। अभी अगर लेना है तो अपना पोर्टफोलियो में लेके चलिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आज के दिन में हम देखेंगे ये स्टॉक में 3,39,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 1,41,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 42% का डिलीवरी है। एक बेहतरीन डिलीवरी आज देखने को मिला है स्टॉक में। ठीक है, ये पांचों स्टॉक था, जो कि पहला स्टॉक था डीमार्ट। अपना पोर्टफोलियो में अगर आपने पहले से लेकर रखे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टॉक को आपको कभी भी सेल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि Naukri.com था। तीसरा है यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज, चौथा है यहाँ पे बजाज फाइनेंस, फिफ्थ स्टॉक जो है यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये पांचों को पांचों स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में तो होल्ड कीजिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो करेंट मार्केट प्राइस पे आपको बिल्कुल बाय करके चलना है। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ आपको बना के दे सकता है। ठीक है ना, ये पांचों स्टॉक में आप 1,00,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर एक स्टॉक में 20-20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए, तो आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है ये सारे स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, अभी का टाइम पे आपको इमीडिएटली आपको डीमैट अकाउंट खोल के इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी स्टॉक आपको बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या तो फिर फैमिली मेंबर्स है, उनके पास में भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये क्वालिटी स्टॉक के बारे में उनको पता चल सकता है, अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।